राम जन्मभूमि मामले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी विवादित जमीन सिवाय अन्य जमीन मूल मालिक ने परत करवा मांग सरकार ना पगला ने वीएचपी और हिंदू संगठनों आवकार दिल्ली ना ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों साथ परीक्षा पे चर्चा विविध विषय सवाल ना आप्या जवाब कहू अपेक्षाओं जीवन में आवश्यक राज्य में स्वाइन फ्लू ना केस में वधारो राजकोट में स्वाइन फ्लू ने कारण बे लोगों ना मौत तो दाहोद में एक ने जामनगर में एक स्वाइन फ्लू ना पॉजिटिव दर्दी नु सारवार दरमियान मौत नगरपालिका ने पेटा चूंटनी में राजकोट वार्ड नंबर 13 में भाजपा नितिन रामाणी ने जीत रामाणी ने मळ्या 11116 मत गांधीधाम नगरपालिका में भाजपे जाळवी राखी बैठक वार्ड नंबर 2 में भाजपा दिनेश लालवाणी विजय समर्थकों उजव्यो विजयोत्सव अमदावाद वीएस हॉस्पिटल वर्ष 2019 बजेट जाहिर व्यवस्थापक मंडले रजू कर 231.36 करोड़ बजेट ड्राफ्ट में शासकों सूचव्यो 11 करोड़ सुधार राज्य में 5 फेब्रुआरी थी एसटी कर्मचारी उतरशे हड़ताल पर विविध पड़तर मांगनियों ने लेने हड़ताल नु आप्यु छे एलान नमस्कार जी 24 कलाक साथे हूँ आपनी साथे जुही जोईए स्पीड में समाचार सौथी पहला वात अंकलेश्वर नगरपालिका बाहर विपक्षे पक्ष विरोध प्रदर्शन करू बोर्ड बैठक पहला विपक्षे सभ्य भैंस बांधीने विरोध करी सूत्रोच्चार कर्या सूरत सचिन जेआईडीसी में रुद्राक्ष कंपनी में रेड करवामां आवी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंटे करेली रेड में मोटा प्रमाण में मुद्दा माल कब्जे करवामां आव्यो दरोड़ा पर सामे आव्यो कि गोडाउन में बारोबार माल की हेराफेरी करवामां आवती हती गांधीनगर ग्रंथपाल भर्ती माटे युवानों एक दिवस माटे सत्याग्रह छावणी में प्रतीक उपवास पर 22 वर्ष की भर्ती न थता युवानों बेकार बन्या जेने लईने युवाओं ग्रंथपाल की ताकीदे भर्ती की मांग साथे धरना पर उतरिया पाटण में सिद्धपुर नगरपालिका की पेटा चूंटनी में भाजपा विजय थो वोर्ड नंबर 7 में भाजपा भरत मोदी की जीत थी भरत मोदी की 461 मते जीत थी राजकोट वोर्ड नंबर 3 की पेटा चूंटनी में भाजपा नितिन रामाणी की जीत भाजपा ने अपक्ष उम्मीदवार वच्चे काटा की टक्कर थी हती नितिन रामाणी ने 11116 मत मळ्या जारे संजय सिंह वाघेला ने 4799 मत मळ्या वोर्ड नंबर 13 की चूंटनी में 18298 मतदारों मतदान कर्यु नर्मदा राजपीपळा ने वोर्ड नंबर 5 की पेटा चूंटनी में कांग्रेस की जीत थी चंद्रिकाबेन वसावा ने 145 मत की जीत थी गांधीधाम नगरपालिका में भाजपे बैठक जाळवी राखी वोर्ड नंबर 2 में भाजपा दिनेश लालवाणी विजय 2096 वोट थी कांग्रेस उम्मीदवार मनीष भाटिया ने हराव्या विजेता उम्मीदवार नु सम्मान करी आगेवान अने समर्थकों विजयोत्सव उजव्यो सूरत डिंडोली आरडी फाटक पास नजीबी बाबते गईकाले पति पत्नी पर हुमलो करवामां आव्यो समग्र घटना सीसीटीवी में कैद जेने आधारे पुलिसे तपास हाथ धरी 5 आरोपी की धरपकड़ करी पुलिसे फरार आरोपी की शोधखोल शुरू करी हुमला में घटनास्थले पति की मौत थी गई जारे पत्नी ने गंभीर इजा थता सारवार माटे हॉस्पिटल खसेड़ाई सूरत में बावस फूट की ऊंचाई थी पटकाता युवान नु मौत सारवार दरमियान युवक नु मौत गतरोड सिटी लाइट विस्तार में बनी थी आ घटना राजकोट पंचायत चौक नजीक कार चालके त्रण विद्यार्थी ने अड़फेटे लीधी अकस्मात में एक विद्यार्थी नु मौत जारे अन्य बे विद्यार्थी इजाग्रस्त थता सारवार माटे हॉस्पिटल खसेड़वामां आवी कार चालके स्टीयरिंग पर थी काबू गुमावता अकस्मात सर्जायो छोटाउदेपुर में आवेला बोडेली नजीक नर्मदा केनाल में डम्पर खाबक्यू हतु वाहन ने बाहर काढवा माटे त्रण हाइड्रोक्रेन बोलावाया हता त्यारे वाहन चालक की स्थिति अंगे हजू कोई माहिती नथी मळी एसटी कर्मचारी 5 फेब्रुआरी थी राज्यव्यापी हड़ताल पर उतरशे एसटी कर्मचारियों ने विविध पड़तर मांगनियों ने लई आगामी 5 फेब्रुआरी थी कर्मचारी यूनियनों की संकलन समिति द्वारा पुनः आंदोलन शुरू करने नक्की करायु छे
घना लांबा समय थी करवामां आवती वारंवार रजूआत छता कर्मचारियों प्रश्नों सुखद निराकरण हजु सुधी न आवता कर्मचारी राज्यव्यापी हड़ताल आखरी अल्टिमेटम आपी दीधुं छे। कर्मचारियों की मांग है कि सातमा पगार पंचनो तात्कालिक अमल कराए, फिक्स पगार कर्मचारियों ने धाराधोरण मुजब तमाम नाणाकीय लाभों ने सवलतो आपवामां आवे। अमदावादी राजपत क्लब फरी एक बार विवाद में आई है। क्लब की मेंबरशीप बारोबार वेचाया आरोप लगाया है। क्लब की 38 मेंबरशीप वेचाई हो चर्चा थी रही है। राजपत क्लब की बोर्ड मीटिंग में सभ्यों की मेंबरशीप वेची मारवा कौभाड़ सोमवार बहार आता कमिटी में होवाड़ो मची गयो। आ विवाद बाद 38 सभ्यों क्लब में एंट्री पर प्रतिबंध कर। बनासकांठा पालनपुर में रात्र एकाएक पानी छोड़ाता पानी फेरफायु पानी नल चालू रखाता पानी बगाड थो। नीति बंगलोज में पानी खाबोचिया भराया। वडोदरा कोर्पोरेशने बे दिवस पानी काप जाहर करो। बुधवार गुरुवार रोज हरिनगर ने तांदलजा टांकी विस्तार लोगों ने पानी नहीं मिले। नर्मदा की केनाल की लाइन में वाल बसाड़ की कामगिरी करने हो वडोदरा कोर्पोरेशन ने बे दिवस पानी काप आप्यो। त्यारे पानी कापना पगले 1 लाख की वधु लोगों ने असर थशे। गुजरात में आज पर ठंडी चमकारो जोवा मळ्यो। नलिया 0.7.1 डिग्री साथ सौथी ठंडु गार। डीसा में 7.2, गांधीनगर में 8.5 डिग्री तापमान। वलसाड में 8.6, कंडला एरपोर्ट पर 8.7 डिग्री तापमान नोंधायो। अमदावाद में 9.6, राजकोट में 11.5 डिग्री तापमान नोंधायो। भाजपा प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणी की टिप्पणी कर बाद विवाद सर्जायो। कांग्रेस की महिला कार्यकरे राजकोट में पुतला दहन करू, जमा एक महिला कांग्रेस कार्यकर दाजी गई। भारतीय आजादी में दांडी सत्याग्रह अनोखू महत्व अनुसारी ऐतिहासिक दांडी खाते करोड़ों रूपया खर्चे नमक सत्याग्रह मेमोरियल स्मारक ने खुल्लू मुकवामां आवशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवतीकाले स्मारक ने राष्ट्र ने अर्पण कर विश्व फलक पर मुकशे। नमक सत्याग्रह स्मारक ने रात्रि एक्सक्लूसिव दृश्य 24 कलाक कैमरा में कैद। अमदावाद में योजायेला शॉपिंग फेस्टिवल समापन थशे। सरदार पटेल स्टेडियम में फेस्टिवल समापन कार्यक्रम योजाशे, जेमां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हाजर रहेशे। दरमियान फेस्टिवल में आपवामां आवेली कूपनो ड्रॉ कराशे। शंकरसिंह वाघेला एनसीपी में जोड़ावा जई रह्या छे। आजे तेओ एनसीपी में सत्तावार रीते जोड़ाशे। आज एनसीपी महासम्मेलन, जेमां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पण हाजर। अमदावाद में चाली रहे मेगा जॉब प्लेसमेंट आज बीजो दिवस। गुजरात यूनिवर्सिटी खाते आज 51 जेटली कंपनियों आवशे ने विद्यार्थी इंटरव्यू लेशे, जेमा 19 विनियन और विज्ञान प्रवाह की कॉलेज अंदाजे 3000 जेटला विद्यार्थी भाग लेशे। राजकोट में स्वाइन फ्लू कहर यथावत है। 52 वर्षीय महिला सारवार दरमियान मौत थे। महत्व है कि स्वाइन फ्लू 28 दिवस में 97 पॉजिटिव केस नोधाया है, जेमा स्वाइन फ्लू की 16 दर्दी मौत थी। राज्य में स्वाइन फ्लू ने कारण मौत में वधारो। एक दिवस में स्वाइन फ्लू ने कारण 4 ना मौत। त्यारे राजकोट में 2 महिला ना स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अमदावाद ईएमसी की सामान्य सभा में थयेला हंगामा ना मामले विपक्षी सभ्य मेयर विरुद्ध रामधून योजी। ईएमसी प्रांगण में आवेला मंदिर में रामधून योजी। गांधीनगर शहर में स्वाइन फ्लू केस सामने आया है। गांधीनगर सेक्टर 3A में 77 वर्ष वृद्ध रिपोर्ट पॉजिटिव आयो। स्वाइन फ्लू दर्दी ने हाल अमदावाद किडनी हॉस्पिटल में सारवार अपाई रही है। आ साथ गांधीनगर में वर्ष 2019 की शुरुआत में कुल 2 केस नोंधाया। सौराष्ट्र में स्वाइन फ्लू केर यथावत है, जेमा 28 दिवस में 97 पॉजिटिव केस नोंधाया है। स्वाइन फ्लू नवा 4 पॉजिटिव केस नोंधाया। 28 दिवस में स्वाइन फ्लू की 15 दर्दी ना मौत। राजकोट ग्रामीण 28 केस पॉजिटिव, 3 व्यक्ति ना स्वाइन फ्लू की मौत। राजकोट शहर में 32 केस पॉजिटिव और 4 व्यक्ति ना स्वाइन फ्लू की मौत थी गया है। जारे अंडे जिला 37 केस पॉजिटिव आया ने 8 व्यक्ति ना मौत थया। आ स्वाइन फ्लू 37 दर्दियों सारवार हेठ। अमदावाद में छेल्ला महीना में पाणीजन्य रोग आंकड़ा में वधारो जोवा मळ्यो। जो आंकड़ा की बात करें तो जान्युआरी मास में झाड़ा उल्टी 304 केस नोंधाया, कमरा 169 ने टाइफोइड 179 केस नोंधाया।
અમદાવાદમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કેસમાં સતત ચિંતાજનક રીતે વધારો થયો. માત્ર 28 દિવસમાં સ્વાઇન ફ્લૂના 110 કેસ નોંધાયા છે. ચાલુ મહિને સ્વાઇન ફ્લૂના કારણે 2 દર્દીઓના મોત. સ્વાઇન ફ્લૂના સતત વધતા કેસને લઈ મનપા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું. વડોદરામાં સ્વાઇન ફ્લૂથી 2 વ્યક્તિના મોત થઈ ગયા છે. 2 દર્દીઓના કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા, જેમાં 82 વર્ષના પુરુષ અને 49 વર્ષની મહિલાનું મોત થયું હતું. જાન્યુઆરીમાં 6 લોકોના સ્વાઇન ફ્લૂથી મોત થયા હોવાની જાણકારી સામે આવી. રાજ્યભરમાં કડકડતી ઠંડી અને સ્વાઇન ફ્લૂએ પગપેસારો કર્યો છે. જામનગરમાં સ્વાઇન ફ્લૂના વધુ 2 શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે. બંને દર્દીઓની જીજી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. 6 સ્વાઇન ફ્લૂ પોઝિટિવ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે. જોશ આગળ અને કેટલાક સમાચાર રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. વાત કરીએ આગળ. અમદાવાદમાં શંકાસ્પદ જીરું વરિયાળી ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ હતી. ઊંઝાથી દક્ષિણ ભારત તરફ ટ્રક જઈ રહી હતી ત્યારે આ ટ્રક પકડાઈ. નરોડા પોલીસે ડ્રાઈવર અને ક્લીનરની પૂછપરછ હાથ ધરી. એફએસએલ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગની પણ મદદ લેવામાં આવી છે. અલગ અલગ 3 હત્યા કેસમાં એસઆઈટીની ટીમ બનાવાઈ હોવાની જાણકારી સામે આવી, જેમાં એસઆઈટીમાં 9 અધિકારીઓનો સમાવેશ કરાયો છે. મહત્વનું છે કે ગત નવેમ્બર, ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં 1-1 વ્યક્તિની હત્યા થઈ હતી. મોરબીમાં યુવાનના છૂટાછેડાના કેસમાં પોલીસે બાબુ ગેંગ પાસેથી 1.2 કરોડ રૂપિયા રિકવર કર્યા છે. બાબુ ગેંગે યુવાનની પત્નીને રિવોલ્વર આપી ધમકાવી અને છૂટાછેડાના પેપરમાં સહી કરાવીને રૂપિયા પડાવ્યા હતા. સુરતના ડિંડોલી આરડી ફાટક પાસે નજીવી બાબતે પતિ પત્ની પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. હુમલામાં પતિનું ઘટના સ્થળે મોત, જ્યારે પત્નીને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી. અમદાવાદના વાસણામાં સગીરાના આપઘાતને લઈ પીડિતાનો મૃતદેહ લઈ વાસરા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને ન્યાયની માંગ કરી. પોલીસે મકાન માલિક ચિરાગ શાહની ધરપકડ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ઘરકામ કરતી સગીરા ચિરાગે દુષ્કર્મ કરતા સગીરાએ આપઘાત કર્યો હોવાનો પરિવારજનોનો આરોપ છે. અંકલેશ્વરના રાજપીપળા રોડ પર આવેલા શાંતિનગર ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. આગમાં ઉઠાનો અને કાચનો ભંગાર બળીને ખાક થઈ ગયો. ફાયરની ટીમે આગ પર ભારે જહેમત બાદ કાબુ મેળવ્યો. ભરૂચના અંકલેશ્વર પાનોલી વચ્ચે નેશનલ હાઈવે 48 પર અંસાર માર્કેટ પાસે કઈ ટ્રકમાં આગ લાગી. ફાયર ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ટ્રકમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. સદનસીબે આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. વલસાડની સરીગામ જીઆઈડીસીમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ. જંતુનાશક દવા બનાવતી કંપનીમાં અચાનક આગ લાગી. બનાવની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. અરવલ્લી મોડાસાના સુકા બજારમાં બહુમાળી મકાનમાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો. શોર્ટ સર્કિટ થતાં બહુમાળી મકાનમાં આગ લાગી ગઈ. આગ લાગતા મકાનની ઘરવખરી બળીને ખાક થઈ ગઈ. જોકે આગમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ઘટનાની જાણ થતાં પાલિકાના ફાયર ફાઈટરે આગ પર કાબુ મેળવ્યો. વલસાડના અટકપારડીમાં ભીષણ આગ લાગી. દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીના મીટર બોક્સ પર તણખલું પડતા ગોળવુમાં આગ લાગી ગઈ. ગોડાઉનમાં મુકાયેલા ફાઈબરના મીટર બળીને ખાક થઈ ગયા. રાજ્યમાં પ્રદૂષણ નિયંત્રણ અને ઈંધણની બચતના ભાગરૂપે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો વ્યાપ વધારવાની શરૂઆત એસટી નિગમ વડે કરવામાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે અમદાવાદ ગાંધીનગર વચ્ચે દોડતી એસટી નિગમની સિટી બસ સર્વિસમાં 40 ઇલેક્ટ્રિક બસ મૂકવામાં આવશે. અમદાવાદમાં ઝોન 4 પોલીસની મેગા ટ્રાફિક ડ્રાઈવનું આયોજન કરાયું હતું. મેગા ટ્રાફિક ડ્રાઈવમાં દંડાત્મક કાર્યવાહી કરાઈ, જેમાં મેગા ટ્રાફિક ડ્રાઈવમાં 5,254 વાહનો તપાસાયા હતા. વૈષ્ણવ દેવીમાં ગુજરાતની બસનો જે અકસ્માત થયો હતો, તેમાં 2 મૃતકોને વિમાન મારફતે સુરત લાવવામાં આવ્યા. બારડોલીના સાંસદ પ્રભુ વસાવા પરિવાર સાથે પરત લાવ્યા હોવાની વાત સામે આવી. તો બીજી બાજુ દિલ્હી એરપોર્ટથી અને ઇજાગ્રસ્તો પણ સુરત એરપોર્ટ આવ્યા હતા.
अन्य 8 इजाग्रस्तों ने लुधिया में सारवार अपाई। 12 इजाग्रस्तों ने हाल जम्मू की हॉस्पिटल में दाखिल कर सघन सारवार अपाई छे। जम्मू पठानकोट हाईवे पर बस पलटी जता 2 महिलाओं ना मौत थया, जारे 22 थी वधु लोग इजाग्रस्त थया हता। आगामी शिवरात्रि गुजरात जूनागढ़ में 27 फेब्रुआरी थी 4 मार्च दरमियान मिनीकुंभ मेला आयोजन कर राज्य सरकार द्वारा प्रथम आयोजित मिनीकुंभ मेला में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हाजरी आपशे। मिनीकुंभ में खास आ वक्त देशभर साधु संतों में 3 दिवस संत सम्मेलन आयोजन कर संत सम्मेलन में मुरारी बापू सहित अन्य संतों हाजरी आपशे। जूनागढ़ नो मेळो गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पामे थी माटे 50 लाख रुद्राक्ष नो शिवलिंग पण बनावामां आवशे। राज्य में टीकाना भावे मगफळी की खरीदी मुद्दे 12 फेब्रुआरी सुधी टीकाना भावे मगफळी की खरीदी करते तमाम खेडूतों ने 31 जानुआरी सुधी मगफळी खरीदी माटे एसएमएस कराया तो बीजी बाजु 31 जानुआरी बाद बाकी रहता खेडूतो 12 फेब्रुआरी सुधी मगफळी टीकाना भावे वेची शकशे। प्रसिद्ध गायक किंजल दवे कॉपीराइट केस ने लई कमर्शियल कोर्ट में किंजल वकीले कोर्ट में जवाब रजू कर सरकारी वकीले 50 पाना जवाब रजू कर सुनावी 2 फेब्रुआरी थे। महत्व है कि हाईकोर्टे 4-4 बंगलीवाड़ू गीत गावा छूट आपता किंजल ने मोटी राहत। बळवंतसिंह राजपूत राज्यसभा की चूंटणी ने लई हाईकोर्ट में सौगंदनामू रजू कर बैलेट पेपर छीनवा प्रयासों पर आक्षेप कर। कोड़ीनारना अरणेज गामे थी नवजात शिशुनो मृत्यु मळी आव्यो। नवजात शिशुनो मृत्यु मळी आवता पोलीसे घटनास्थले पहोंची सघन तपास हाथ धरी हती तो बीजी बाजु बे सेवाभावी ट्रस्ट हरिओम सेवा ट्रस्ट अने गुरु नानक सेवा ट्रस्टे नवजात शिशुनी अंतिम विधि करी। वडोदरानी नागरवाड़ानी जलाराम प्राथमिक शाला में पुलम पोल सामे आवी धोरण 1 थी 8 विद्यार्थियों वच्चे मात्र 5 शिक्षकों हता जेने लईने जी 24 कलाके अहेवाल प्रसारित कर्यो। अहेवाल बाद शासनाधिकारी धर्मेन्द्र चुडासमाए शाला की मुलाकात लीधी प्रिंसिपल ने नोटिस फटकारी हती। एक तरफ शाला में ओछा शिक्षकों तो बीजी तरफ विद्यार्थियों जो वर्ग में अभ्यास करे त्यां बेसवा माटे बेंच पण पूरती नथी। विद्यार्थियों नीचे बेसी अभ्यास करता था जे जी 24 कलाकना कैमरा में कैद थयो। अहेवाल बाद तंत्र सफाड़ू जाग्यू। अहेवाल बाद तात्कालिक धोरणे बेंच मंगावी लेवामां आवी। एएमटीएसए रूपया 488.08 करोड़ बजेट रजू कर ट्रांसपोर्ट मैनेजरे रजू करे ड्राफ्ट बजेट में कोई खास सुधारा कराया वगर आ बजेट में मुसाफरो की सुविधा पर भार मुकवामां आव्यो। ट्रांसपोर्ट मैनेजरे 488.98 करोड़ बजेट सूचव्यू जेमां थोड़ो वधारो सूचवी 488.8 करोड़ बजेट रजू कर। ओछा मुसाफरो तेवा रूट पर बसों की अवर जवर घटाड़ो निर्णय कर सीवा बजेट में मोटी जाहरात करी नहीं परंतु मिलतगर वासा और नरोडा डेपो में आरसीसी रोड बनावा निर्णय कर बस डेपो और स्टेशन आगना दबाणों दूर कराशे। एएमटीएसए सतत वती जती खोट पर चिंता कारण कर्मचारी पगार ने पेन्शन पाछळ रूपया 250 करोड़ खर्च होते 488.8 करोड़ में एएमसी पास थी रूपया 300 करोड़ लेवाशे। खोट कर एएमटीएस सेवा कार्यरत रखा। केवड़िया में हरियाणा भवन जमीन विवाद अले विशाल रैली काढ़ी जिला कलेक्टर कचेरी पहुंची विरोधकर्ताओं आवेदन पत्र आप मांगणियों ने लई विशाल रैली काढ़ी सूत्रोच्चार कर विरोध करनाराओं ने पोतानी मांगणियों रजू कराई। खेड़ा में नेशनल स्कूल गेम्स स्पर्धा में विवाद सर्जायो। लोकल रेफरी चीटिंग करने आक्षेप साथ विद्यार्थिनीओ होबाड़ो मचाव्यो साथ योग्य कार्यवाही करने की मांग करी। अमीरगढ़ में मार्गो पर ढोल वगाड़ी ग्रामजनों ने रैली काढ़ी सुविधा माटे बनावेले भूगर्भ गटर लोगों माटे दुविधा बनता रोषे भराया था। लोगों अनेक बार रजूआत करवा छता प्रश्न उकेल नहीं आता ग्रामजनों रोषे भराया। ग्रामजनों ने ढोल वगाड़ी तालुका कक्षा अधिकारी ने रजूआत करवा माटे कचेरी पहुंचा। ग्रामजनों विविध प्रश्नों की रजूआत कलेक्टर कचेरी पहुंची करी हती। नवसारी जलालपुर विस्तार में फरी तेज रफ्तारे चीलझड़प किस्सो सामने आव्यो जेमा एटीएम में पैसा उपाड़ी आता ईसम ने फूल झड़पे आती कारे अणफेटे लीधो। अकस्मात करनार की कारनो स्टीयरिंग फेल थी जता अकस्मात सर्जायो जेमा अणफेटे लीधेला युवा ने सारवार माटे खानगी हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्यो। अकस्मात की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद। पूर्व पास नेता ने हाल में भाजपा प्रवक्ता रेशमा पटेले पोतानी 5 मांगणियों ने लेने राज्य सरकार पर आक्रशापरिक प्रहार कर्या। रेशमा पटेले आक्षेप कर्या हता कि तेमना तरफथी शहीद पाटीदारों ने नौकरी आपवानी मांग सरकारे खुरम में चढ़ावी साथे बिन अनामत आयोग मात्र नामनो आयोग छे। आयोग में फंडिंग ना अभावे कोई ने मदद नहीं करी शकाती।
भाजपा प्रदेश प्रमुख जीतू वाघाणी राहुल गांधी पर करेली टिप्पणी मुद्दे माफी मांगी। तेमणे कह्युं के तेमणा शब्दोनुं खोटुं अर्थघटन करायुं। वाघाणी कह्युं के मारुं निवेदन मात्र कांग्रेस अने गांधी परिवारना वीआईपी कल्चर मुद्दे हतुं, हुं कोईना माता विशे खराब शब्दो न वापरी शकुं। अमित चावड़ाए भाजप पर आकरा प्रहार कर्या, कह्युं के भाजपना नेतानी हल्की मानसिकता दर्शावे छे। पोताना निवेदनथी भले फरी गया होय पर तेमने माफ नहीं करी शकाय। अमदावाद पश्चिम सांसद डॉक्टर किरीट सोलंकी पाटण कासा बेल्डी रेलवे ट्रैक निरीक्षण कर्यु। किरीट सोलंकी रेलवे ट्रॉली पर बैसा तपास कामगिरी करी पाटण पालिका प्रमुख सहित आसपास स्थानिको हाजर रहा था। पहला रेलवे दौड़ती शुरू करने आशावाद किरीट सोलंकी व्यक्त कर्यो हतो। एमसी में सामान्य सभा में बवाल मुद्दे कांग्रेस हवे हाईकोर्ट में जशे अने जीपीएमसी एक्ट मुद्दे बोर्ड नो संचालन थाय तेवी मांग करशे। कांग्रेस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ने आधारे कार्यवाही नी पण मांग करशे। दमण कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर कांग्रेस ऑफिस पहुंचा था। आज तेमणे राजीव सातव साथ मुलाकात करी त्यारे राजीव सातवे डेलकर राजीनामा की चाली रहे अटकड़ों ने रद्दियो आप्यो। राजकोट में सरकारी शालाओं में वर्गखंडों ने आपवामां आवशे दीकरीओनु नाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत जागृति फैलावा राजकोट जिला विकास अधिकारी द्वारा एक नवतर प्रयोग हाथ धरवामां आव्यो। जिल्लानी 900 जेटली प्राथमिक शाळाना 9000 करता वधु ओरडाना नाम दीकरीओना नाम परथी राखवानो जिल्ला विकास अधिकारीए निर्णय कर्यो। आ अंगेनो एक परिपत्र जिल्ला विकास अधिकारीए बहार पाड्यो छे। दीवमा एलायंस और एरफ्लाइट बे दिवस में रद्द कराई। टेक्निकल क्षति ने कारण रद्द थयानुं कारण बहार आव्युं। फ्लाइट रद्द थता मुसाफरोने बस की मुसाफरी करवानी फरज पड़ी। हवे आगामी बे दिवस पछी राबेता मुजब फ्लाइट सेवा शुरू। आ साथ बुलेटिन में हाल बस आटलू। थोड़ी ज वार मानुपुर साथ समाचार। नमस्कार।